हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज दो शॉकर चीजें दिन की रही। एक तो रही कि रेस 3 का ट्रेलर कंफर्म हो चुका है, कब आएगा। दूसरी सबसे शॉकिंग चीज है, जो इससे भी शॉकिंग मुझे मैं कहूंगा, वो थी नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी। जी हाँ, बिशन सिंह बेदी जो पूर्व क्रिकेटर है, उनके बेटे अंगद बेदी की शादी हो चुकी है नेहा धूपिया से। और करीबन करीबन कुछ घंटों पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। और ये सिख कम्युनिटी के रीति रिवाजों के तहत ये शादी हुई है, जिसे सोनम कपूर की भी शादी कुछ इसी तरह से हुई है। साउथ दिल्ली में ये शादी हुई और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जहाँ तक गुलाबी कपड़ों में, जो भी ब्राइड वाला कपड़ा रहता है, और उस तरह के जो प्रॉपर एक लिबाजों में बहुत ज़्यादा जच रही थी नेहा धूपिया। और वही व्हाइटिश कलर में एकदम बहुत बढ़िया, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। एक्चुअली जोड़ी बहुत कमाल की है। और सोशल मीडिया पे जानकारी देते हुए नेहा ने खुद लिखा कि ये उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त से शादी की, जो अपने जब उनके हस्बैंड हो चुके हैं अंगद बेदी। अंगद बेदी को आपने इस कुछ पिछले साल देखा होगा, टाइगर जिंदा है में नजर आए थे, उसके पहले सीड का एक कुछ रोल में नजर आए थे वेकअप सीड में। और अंगद बेदी आई थिंक इसके अलावा कुछ टीवी सीरियल्स भी कर चुके हैं, 24 सीरीज भी कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें नेहा धूपिया की, तो करीब करीब सिंगल फिल्म है और तुम्हारी सुलू फिल्म में नजर आ चुके हैं। वही एज डिफरेंस की बात करें तो 37 इयर्स की एज है नेहा धूपिया की और करीबन करीबन 33 की एज है किसकी, हमारे जो एक्टर है अंगद बेदी की। और यानी कि 3 से 4 साल बड़ी है नेहा धूपिया, लेकिन एज डजेंट मैटर, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे एज डिफरेंस कुछ नहीं होता है। और आई थिंक ये बहुत क्लोज इंटीमेट सेरेमनी थी, किसी को ज़्यादा भनक वगैरह नहीं लगी। और आई थिंक नेहा धूपिया भी यही चाहती थी कि एकदम क्लोज तरीके से, है ना, फटाफट अच्छे से, अच्छी तरह से, ज़्यादा मीडिया वीडिया का झंझट ना आए, फटाफट हो जाए। और इस सेरेमनी में कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल थे, जिसमें आशीष नेहरा और आई थिंक कुछ और क्रिकेटर्स भी शामिल थे। और एक अच्छी तरह से शादी हो चुकी है। और आप कितने खुश हैं कि नेहा धूपिया की शादी हुई है? कितना बड़ा शौक लगा आपको इस न्यूज़ को जानकर, ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत शौक लगा है कि नेहा धूपिया की शादी हो चुकी है। और खुशी है, मतलब शौक लगा है, मतलब ऐसे ही नहीं रहो, हंस इसलिए रहा हूँ कि शौक इतना लगे कि मुझे यकीन नहीं रहा। बट हाँ, अच्छी बात है, नेहा धूपिया की शादी हो गई है अंगद बेदी से। हम उम्मीद करते हैं इनकी लाइफ अच्छी रहे और खुशहाल रहे। चलिए फिलहाल कितना ही।